वेलकम टू द सपोज ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 1.3 को सिंप्लीफाई करेंगे, क्लास 9th सिंटैक्स बोर्ड एग्जाम। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉलोइंग। तीनों में हमें बेस एंड एक्सपोनेंट्स बताने, थ्री आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये हो जाएगा बेस, फोर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी एज अ एक्सपोनेंट, तो ये आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 आपका क्या हो जाएगा, दैट वुड बी एज अ बेस। यहाँ पर 3 आपका क्या हो, दैट इज एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने बताना है कि -30 यहाँ पर आपका बेस है और 20 आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट एज अ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रेडिकेंट इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इन सारों में आपने रेडिकेंट और इंडेक्स को बताना है, तो यहाँ पे ये जो 3 है, 3 आपका इंडेक्स है इस क्वेश्चन। अच्छा जी, 5 क्या है, 5 आपका रेडिकेंट है, ये आपने ध्यान रखना। अच्छा जी, 4 यहाँ पर आपका इंडेक्स है और एक्स बाय वाई ये वाला आपका यहाँ पे रेडिकेंट है, दिस इज नथिंग बट एज अ रेडिकेंट। अच्छा जी, 5 यहाँ पर इंडेक्स है, दैट इज इंडेक्स एंड एक्स स्क्वायर वाई जेड इज रेडिकेंट, ये आपका यहाँ पर रेडिकेंट। ये वाली चीजें बतानी थी, बड़ी सिंपल थी। लेट्स ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल। अब इन सारों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, तो लेट्स सी फर्स्ट नंबर, यहाँ पे ये रेडिकल देता है और यहाँ पे 3/4, लेकिन यहाँ कुछ नहीं इंडेक्स की जगह, तो अगर कुछ ना हो तो वो आपका 2, इसी आप 3/4 अपनी जगह रहेगा, लेकिन अगर हम 1/2 को अगर उस तरफ ले जाएंगे यानी कि चेंज करेंगे एक्सपोनेंट में, ये रिवर्स हो जाएगा एंड दैट वुड बी 1/2। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं क्या करता है। 2 में यही बात है कि एक्स अपान वाई के ऊपर है आपका 5 और यहाँ पे है 2, कुछ नहीं तो 2 है, इसे आप नहीं करते, आप लिखेंगे एक्स बाय वाई ओवर 5, लेकिन इसे अगर आप चेंज कर देंगे दैट वुड बी 1/5। आप यहीं पे भी आंसर बता सकते हैं, हमें इसे चेंज करना, लेकिन एक्सपोनेंट 2 है, यानी एक बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट इज मल्टीप्लाइड और इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2। ठीक है जी, चलिए आए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या कहता है, वाई बाय एक्स ओवर -5 और इंडेक्स क्या है इसके, इंडेक्स है 3। चलें चेंज करें फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वाई बाय एक्स लिखें, माइनस का 5 अपनी जगह, ऊपर इसके आ जाएगा 3 है इंडेक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड वी नो दैट इज मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट इज मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5/2। यहाँ पर भी आंसर ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट हम पॉजिटिव में कभी कभार लिखते हैं, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए आप न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर से एक्सचेंज करें, तो ये एक्स वाई वाई एक्स बाय बाय वाई और ये पॉजिटिव 5/3 हो जाए, तो ये भी चीज बड़ी आसान। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें जरा, 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है 3 एंड इंटरनल वाई जेड ओवर, चेंज करें जरा, तो y z ओवर क्या है आपके पास 7, इसमें आपने जब इंडेक्स को एक्सपोनेंट में चेंज किया दैट इज 1/3 एंड एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट, ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में हम डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लाई होते हैं 1/3। इस तरीके से 5 में सॉरी 9 इंडेक्स है और इंटरनल 27 है, सिंपलीफाई नहीं करना, हमें जस्ट चेंज करना है, तो 27 तो ये 9 है, ये 1/9 हो जाए। नंबर 5,
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स को देख लें जरा सा, सिक्स में क्या कहता है। सिक्स में कहता है इंडेक्स थ्री और यहां पर है माइनस के 64 और उसके ऊपर 2। जस्ट हमें चेंज करना है, सिंप्लीफाई मत कीजिए। तो 64 के ऊपर रेडी 2 है हमारा और उसके ऊपर इंडेक्स को जब हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये 1/2। और हम जैसा कि जानते हैं कि एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है एंड दैट इज 2/2। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 को देख लें जरा, 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, 7 में हमें कहता है कि 1/2 उसके ऊपर आपका है एम एज अ एक्सपोनेंट, लेकिन इसमें इंडेक्स भी है आपका 3। तो चेंज करें इसे जरा, तो 1/2 के ऊपर आपके पास आ गया एम और उसके ऊपर आप दे दें एज अ 1/3। चलें देखिए कैसे होता है। 1/2 को आप यूं भी लिख सकते हैं दैट इज एम बाय थ्री, लेकिन इंडेक्स क्या है इसके, इंडेक्स है 5। चेंज करें जरा, देखें एक्स वाई के ऊपर 3 और यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/5। एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं 3/5 होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें जरा, 9 में क्या कहता है। 9 में कहता है कि ये एक इंडेक्स है, फिर उसके अंदर आपके पास दूसरा रेडिकल है और यहाँ पे 4/5। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, एक तो इंडेक्स मेरे पास 3 है लेकिन यहाँ पर 4/3, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है। अब मैं इंटरनल रेडिकल को सिंप्लीफाई, बाहर वाला हम सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 4/3। इसको हम जब उलट करेंगे यानी कि चेंज करेंगे एक्सपोनेंट में तो ये 1/2। अब बाहर वाले को चेंज करें तो 4/3 के ऊपर 1/2 ऑलरेडी आपका है, लेकिन बाहर वाला हो जाएगा 1/3। और एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से 1/6। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स पार्ट्स। कहता है 4 और इसके पार्ट्स में क्या कहता है कि ट्रांसफॉर्म करें इन्हें इसके फॉर्म में इनटू द रेडिकल रेडिकल फॉर्म। देखिए इस पहले क्वेश्चन को दो तरीकों से किया जा सकता है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो 5 के ऊपर 3 है और ऊपर आपके पास है 1/7। आप ऐसा करें 1/7 को चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 7 और 5 के ऊपर 3, या इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सपोनेंट यानी कि यहाँ 1/5 हो जाए। ये भी रिजल्ट ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं किसी और तरीके से, कौन सा एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 दैट इज 3/7। अब आप इसे चेंज करें तो इंडेक्स आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए। अच्छा, इन दोनों का रिजल्ट अगर डेसिमल में निकाले तो वो सेम है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड में कहता है कि ए बी के ऊपर -2 है और इनके ऊपर आपका 1/3। अगर मुझे इसे चेंज करना है ए बी माइनस के 2 और यहाँ पर इंडेक्स 3 हो, ये भी रिजल्ट ठीक है। अगर बी का आप एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बी को आप नीचे ले जाएं, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लें जरा, थर्ड में आपने ध्यान करना, देखिए इस 5/7 को अगर आप एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हैं दैट इज 5/7
आपका जो है वो अब 7/5 7/5 और यहाँ पे 5/7 और के ऊपर पावर 3 आप इसे चेंज कर सकते हैं, या आप पहले क्वेश्चन की जगह मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। क्वेश्चन अब ऐसा करते हैं कि ये जो बी बाय ए है ये यहाँ पे है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, अगर हम इसे ही चेंज करें वो इतना खास फर्क नहीं आएगा कि आपका कुछ क्यों हो जाएगा -k2/k, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसे थोड़ा और तरीके से करें तो बेटा पहले इसका एक्सपोनेंट आप पॉजिटिव करें और उसके लिए हमने आपको बताया कि न्यूमेटर को आप डिनोमिनेटर से चेंज करें तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसे आप चेंज करेंगे दैट वुड बी m/2 a/b रिजल्ट 2/a, यहाँ पर ये 2/a/a ये रिजल्ट सेम है, चाहे कोई इतना खास फर्क नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 5 अब 5 में 11/30 मल्टीप्लाई 12/30 और इन दोनों के ऊपर आपके पास है 1/5, आप इस क्वेश्चन को यूं भी लिख सकते हैं। अब आप इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ 11 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें 13 13 169 मल्टीप्लाई करें ये आपका रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देंगे तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें हम एक्सरसाइज में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। तो टिल दैट बाय बाय अल्लाह हाफिज।